नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिबुल फाइल। तो दोस्तों, आज 30+ क्वेश्चन होंगे और ये वही प्रश्न होंगे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पिछले प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। दोस्तों, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जिनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कि सभी तक एजुकेशन पहुँचे और हम सब मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? तो इसका सही जवाब है लाहौर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी धातु मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? दोस्तों, जो मोबाइल फोन होता है उसमें जो बैटरी यूज की जाती है वो किसकी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लिथियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कौन सा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में था? वो कौन सा शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता में था? तो दोस्तों, वो था लोथल। और बंदरगाह उसे बोलते हैं यहां पे सामान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। दोस्तों, संबोधित राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। कौन से नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों, ये गुरुओं को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, आपके पास दिया गया है कुशोम मंडल, सही जवाब समताप मंडल, मध्यम मंडल और बाह्य मंडल, जिसे बाहरी मंडल भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? दोस्तों, ये करंट अफेयर का भी आ जाता है कई बार। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में रेलवे सेवा जो थी वो चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नाइन, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है मुख गुहिका से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास दिया गया है, स्तनधारियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, ये 2016 में पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न। उनका हृदय तीन कक्षीय होता है, तो ये सही नहीं था। स्तनधारियों का हृदय जो है वह तीन कक्षीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जल का घनत्व कैरोसिन के तेल से ज़्यादा होता है यदि दोनों को मिला दिए जाएं? इसका सही जवाब है कैरोसिन जो होगा वो पानी के ऊपर तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कन्या भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा परिवर्तित कार्यक्रम कौन सा था? तो वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका सही जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवृत्ति हवाएं समुद्र से धरातल की किस तरफ बहती हैं? तो इसका सही जवाब है दक्षिण से पश्चिम की तरफ। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्मकाल में जो मानसून पवने हैं वो किस डायरेक्शन में चलती हैं? तो वो चलती है दक्षिण से पश्चिम की डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा पेंट ब्रश। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पंजाब के पहाड़ी के क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ था? तो ये हुआ था, इसका सही जवाब है 1 नवंबर 1966 में। दोस्तों, ये 2016 में पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बुंडा उत्सव किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है परशुराम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो इसका सही जवाब है जांस्कर पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, जांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं आप लोग उसे तैयार कर लें। दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की
संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी राजा संसार चंद और राजा रणजीत सिंह। दोस्तों संधि कई बार पूछी गई है, तो इस संधि को आपने इसकी डेट भी याद रखनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाला गोरखा सेना का कमांडर कौन था? तो इसका सही जवाब है अमर सिंह थापा। दोस्तों यहां पे सेना का कमांडर पूछा गया था, तो वो था अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जांजर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब है चंबा। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार रिपीट होता है, और हिमाचल प्रदेश के जो नृत्य हैं इनको भी आप लोग याद कर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है जल शारण जल विद्युत परियोजना, जो कि जोगिंदर नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो इसका सही जवाब होगा 3। दोस्तों अगर लोकसभा के पूछेंगे तो लोकसभा के होंगे 4, अगर टोटल पूछेंगे तो वो होंगे 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 16 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है पंडित पद्मदेव ने। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी प्रश्न काफी बार रिपीट होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया गया है, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? श्रीलंका में जो ऑफिशियली लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो वो है सिंहली तमिल, तमिल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब है टका। दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति लोकसभा में का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्यों को नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है? तो वो है अंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन को। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। एक क्वेश्चन नंबर 31 इसको भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपियां क्या है? तो इसका सही जवाब है हाथ द्वारा लिखे गए लेख। दोस्तों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी किताबें पढ़ी हैं तो ये प्रश्न वहां पे आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पुराना वेद कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सामवेद, सेकंड ऑप्शन आपके पास दिए गया है ऋग्वेद। दोस्तों आप लोग ए या बी टाइप करके अपना आंसर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।